हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्लॉग। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ मामा अर्थ के उबटन फेस मास्क का रिव्यू शेयर करूंगी। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है इस प्रोडक्ट का। हर कोई इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा है, बोल रहे हैं लोग कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बार ट्राई किया जाए और देखा जाए कि ये प्रोडक्ट जितना हाइप्ड है एक्चुअली में ये इतना अच्छा है कि नहीं है। हो सकता है आप लोगों का रिव्यू इस प्रोडक्ट पे अलग हो। इस वीडियो में ये जो रिव्यू मैं दूंगी ये मेरा पर्सनल रिव्यू है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। इस प्रोडक्ट को मैंने 5 से 6 बार यूज़ किया है अभी तक। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये है मामा अर्थ का उबटन फेस मास्क। इसमें आपको सैफ्रन, टर्मरिक और एप्रिकॉट ऑयल मिल जाएगा। ये बेसिकली जो मास्क है ये स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए है। ये पैराबिन और सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट है और इसमें बायो एक्टिव्स भी हैं। अगर बात की जाए पैकेजिंग की तो ये कुछ ऐसी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है जिसमें कि आपको ये ग्रीन कलर का ऐसे नीचे बॉर्डर मिल जाएगा, प्लस ये वाइट कलर का है ऊपर से। और सारी डिटेल जो भी हैं इस प्रोडक्ट की, सब कुछ इस पर मेंशन है। इसको यूज़ करने का तरीका और इसका प्राइस वगैरह, कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है, कौन मार्केट करता है इसको, ये सब कुछ इस पर मेंशन है। और जो मामा अर्थ है ये बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। मतलब ये जो ब्रांड है वो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। तो अगर बात की जाए इसके प्राइस की तो इसका प्राइस है 499 रुपीज़ और इसमें आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स। ये जो मामा अर्थ का फेस मास्क है ये एंटी एजिंग मास्क है और ये आपकी स्किन को लाइटन करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइटन भी करता है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं सारे ही नेचुरल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इसमें पेपरमिंट ऑयल भी पड़ा हुआ है और पपाया के एक्सट्रैक्ट्स भी हैं जो कि स्किन ब्राइटनिंग के लिए होता है। इसमें कुकुम्बर के भी एक्सट्रैक्ट हैं, मलबरी के एक्सट्रैक्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब मैं इसकी इनसाइड पैकेजिंग आपको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से प्रोडक्ट कैसा है। तो ये फेस मास्क कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। ये एक टब पैकेजिंग है, इसके साथ में आपको एक स्पैचुला भी मिलता है ताकि जो आप प्रोडक्ट लगाएं वो आपके फेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें आप। मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ पर आपको एक लिड लगी हुई मिल जाएगी जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं भी अगर आप कैरी करें तो स्पिल ना हो। और ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है, एकदम रनी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है। अगर आपको ज़्यादा ही थिक लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी मिंटी सी स्मेल है, मतलब इसमें पेपरमिंट ऑयल पड़ा है इसीलिए इसकी जो स्मेल है वो ऐसी है। तो जब आप इसको अपने फेस पे लगाएंगे तो आपको वो ऐसी कूलिंग सी सेंसेशन फेस पे फील होगी जब आप इसको यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ पेपरमिंट ऑयल। इसके डायरेक्शन टू यूज़ इसके बॉक्स पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। पहले आपको अपने फेस को किसी भी सल्फेट फ्री फेस वॉश से वॉश करना है। आप मामा अर्थ का उबटन फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी फेस वॉश हो आप उससे अपना फेस वॉश कर लीजिए। देन उसके बाद आपको इस मास्क को लगाना है अपने फेस पे। इसको अपने फेस पे सिर्फ 15 मिनट्स तक रखना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है, मतलब 25 to 30 मिनट्स नहीं रखना है, सिर्फ 15 to 20 मिनट्स तक रखना है। उसके बाद जैसे आप अपने फेस से उबटन रिमूव करते हैं ना स्क्रब करते हुए, वैसे ही इसको भी रिमूव करना है। आप चाहें तो नॉर्मली इसको वॉश कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो जैसे उबटन रिमूव होता है स्क्रब होते हुए, वैसे ही आप इसको रिमूव कर सकते हैं अपने फेस से। उसके बाद ल्यूक वॉर्म वाटर से आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। अगर बात की जाए इस प्रोडक्ट की तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तभी आपको रिजल्ट दिखेगा अपने फेस पे। आपको आपका फेस जो है वो बहुत ही ग्लोइंग लगेगा और आपकी स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट और सपल लगेगी जब आप इसको एक बार यूज़ करेंगे। फर्स्ट टाइम में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको वीक में 2 बार यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे लाइट होने लगेगी, आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी कम होने लगेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो फेस मास्क है ये काफ़ी अच्छा है। इसके इंग्रेडिएंट्स भी सारे नेचुरल हैं तो हम लोगों की स्किन पे कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई देके देखिए। अगर आप इसको सेल में परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छा है। तो मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट पे यही था। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए और आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना कर पाएं।